भारत की धड़कनों में अपनी धड़कन सुनने वाले शेरे असम, आधुनिक असम की नींव रखने वाले देश के हीरो, आजाद असम के पहले सीएम। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक की विशेष पेशकश भारत रत्न देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। आज आपके सामने हम एक ऐसी हस्ती की कहानी ले आए हैं जिनके बारे में आप जानकर उनके तगड़े फैन बन जाएंगे, क्योंकि भारत को भारत बनाए रखने में उन्होंने अपना सब कुछ खपा दिया। हम बात कर रहे हैं असम के शेर गोपीनाथ बोरदोलाई की। गोपीनाथ बोरदोलाई का जन्म 10 जून 1980 को असम के नौगांव जिले के रोहा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम बुद्धेश्वर बोरदोलाई था और मां का नाम परानेश्वरी बोरदोलाई। जब गोपीनाथ मात्र 12 साल के ही थे तब उनकी माता इस दुनिया को छोड़ के चली गई। इसके बाद उन्होंने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से साल 1907 में मैट्रिक की परीक्षा और साल 1909 में इंटरमीडिएट की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास की। इंटरमीडिएट के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता जाते हैं। वहां उन्होंने पहले बीए और उसके बाद साल 1914 में एमए की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने 3 साल तक कानून की पढ़ाई की और फिर गुवाहाटी वापस लौट आए। गुवाहाटी जाने के बाद शुरुआत में उन्होंने सोनाराम हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर काम करना शुरू कर दिया और फिर साल 1917 में वकालत शुरू की। अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों के दमन से देश का खून खौल रहा था। उस दौर में महात्मा गांधी की एंट्री हुई और लोग एक के बाद एक उनसे जुड़ते चले गए। कड़ियों गोपीनाथ बोरदोलाई को आंदोलन की खबरें और उसकी बातें आकर्षित करती। कारण था कि उनके दिल में भी अंग्रेजों का दमन खटकता था। बस फिर क्या था, स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी का प्रवेश हुआ और उन्होंने देश की आजादी के लिए अहिंसा और असहयोग जैसे हथियारों का प्रयोग पर जोर दिया। गांधी जी के आह्वान पर कई नेता सरकारी नौकरियां अपनी जमी जमाई वकालत छोड़ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। साल 1922 में असम कांग्रेस की स्थापना होती है। इसी साल गोपीनाथ एक स्वयंसेवक के रूप में कांग्रेस में शामिल हुए, जो राजनीति में उनका पहला कदम हुआ। गोपीनाथ बोरदोलाई की वकालत भी जमी हुई थी, पर वो बिना किसी हिचक के अपनी चलती हुई वकालत को छोड़ राष्ट्र सेवा में कूद पड़े। अपनी वकालत छोड़ने के बाद गोपीनाथ ने लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दक्षिण कामरूप और ग्वालपाड़ा जिले का पैदल दौरा तक किया। उन्होंने लोगों से विदेशी माल का बहिष्कार, अंग्रेजों के साथ असहयोग और विदेशी वस्त्रों के स्थान पर खादी से बने वस्त्रों को पहनने पर जोर देने की वकालत की। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि विदेशी वस्त्रों के त्याग के साथ साथ उन्हें सूत काटने पर भी ध्यान देना चाहिए। ब्रिटिश सरकार गोपीनाथ बोरदोलाई के काम को विद्रोह के रूप में देखने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर 1 साल तक जेल में रखा गया। सजा समाप्त हुई, बाद में उन्होंने अपने आप को स्वाधीनता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब गोपीनाथ बोरदोलाई ने गुवाहाटी में फिर से वकालत शुरू कर दी। वो साल 1932 में गुवाहाटी के नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। साल 1930 से 1933 के बीच जब उन्होंने अपने आप को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रख विभिन्न सामाजिक कार्यों की ओर ध्यान लगाया, इसके साथ साथ उन्होंने असम के लिए एक पृथक हाई कोर्ट और विश्वविद्यालय की भी मांग की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुए चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और सरकार बनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद सादुल्ला ने सरकार बनाई। पर इस सरकार ने सितंबर 1938 में इस्तीफा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गोपीनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी के आह्वान पर उनकी सरकार ने भी इस्तीफा दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया।
फिर खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी अवधि से पहले रिहाई की गई। साल 1942 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर गोपीनाथ समेत लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार किया। इस बीच मौका परस्त मोहम्मद सादुल्ला ने अंग्रेजों के सहयोग में एक बार फिर सरकार बनाई और सांप्रदायिक गतिविधियों को तेज किया। साल 1944 में रिहा होने के बाद गोपीनाथ ने और नेताओं ने मिलकर सरकार की गतिविधियों का विरोध करना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप सादुल्ला ने उनकी बातों पर अमल करने के लिए समझौता किया। 1946 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत के साथ सरकार बनाई और गोपीनाथ असम के पहले प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री बनते हैं। गोपीनाथ बोरदोलाई एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। इन्हें आधुनिक असम का निर्माता तक कहा गया। देश की स्वतंत्रता के बाद उन्हें तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर काम किया। उनके प्रयत्नों के कारण ही असम चीन और पूर्वी पाकिस्तान से बच के भारत का हिस्सा बन पाया। ब्रिटिश सरकार ने साल 1946 में भारत की आजादी के मसले पर कैबिनेट कमीशन की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार की बड़ी चाल ये थी कि भारत के विभिन्न भागों को अलग अलग बांट दिया जाए और उसके लिए उन्होंने ग्रुपिंग सिस्टम योजना बनाई, जिसके अंतर्गत राज्यों को तीन भागों में रखा गया था। कांग्रेस के नेता ब्रिटिश सरकार की चाल को समझ नहीं पाए और योजना को स्वीकृति दे दी, पर गोपीनाथ बोरदोलाई इसके विरोध में खड़े रहे और कहा कि असम के संबंध में जो भी फैसला होगा अथवा उसका जो भी संविधान बनाया जाएगा उसका अधिकार केवल असम की विधानसभा और जनता को होगा। उनकी इसी दूरदर्शिता के कारण असम इस षड्यंत्र का शिकार होने से बचा और भारत का अभिन्न अंग बना रहा। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान के अलावा गोपीनाथ बोरदोलाई ने असम की प्रगति और विकास के लिए कई काम किए। विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आए लाखों निर्वासितों के पुनर्वासन के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने आतंक के उस माहौल में भी राज्य में धार्मिक सौहार्द कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ गोपीनाथ बोरदोलाई एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उन्होंने अन्ना, शक्ति योग, श्री रामचंद्र, हजरत मोहम्मद और बुद्ध देव जैसी पुस्तकों की रचना जेल में बंद रहने के दौरान की। 5 अगस्त 1950 को 60 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। 1999 में मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते हम फिर किसी हस्ती की कहानी आपके सामने लेकर आएंगे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। देखते रहिए भारत तक। उम्मीद करते हैं कि भारत तक का आपको नया रंग रूप पसंद आ रहा होगा। अपनी राय कमेंट करके बताइए। नमस्कार। जय हिंद।